एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेंस की स्ट्रेटजी को लेकर। एफसीआई मेंस जो कि शेड्यूल्ड है 5 मार्च, मतलब 5 मार्च को बोला गया है, आकाश यादव सर ने बोला है, तो मोस्टली उनका सही होता है। तो 5 मार्च आप इसको रख सकते हो कि 5 मार्च को आपका इसका मेंस होने वाला है, ठीक है। तो अभी हमारे पास टाइम है पूरा, इसको यूटिलाइज कीजिए। जनवरी फरवरी 2 मंथ्स हैं, तो इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कहाँ से प्रैक्टिस करने चाहिए एफसीआई मेंस के लिए। तो जो भी लास्ट ईयर 2019 में हुआ था, तो उसके क्वेश्चन को देख के मुझे कुछ आइडिया लगा है, जिससे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लिश में मेंस के लिए क्या करनी चाहिए। तो इंग्लिश के लिए मैं बताती हूँ कि आपको कुछ न्यू नहीं, लेकिन हाँ, जो भी आप अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हो तो SBI PO प्री RRB PO मेंस RRB क्लर्क मेंस के जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हैं, या फिर आपके पास इनका टेस्ट सीरीज होगा, जो भी क्वेश्चंस आपको कहीं से भी मिल जाए, तो उसको उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसी लेवल का रहेगा, उससे ज़्यादा लेवल नहीं आएगा इसका, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए आप वो कर सकते हैं। फिर बात करते हैं क्वांट्स की, तो क्वांट्स का भी मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें DI 2-3 DI पूछेगा। तो ये इसके लिए भी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कहाँ कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप स्टूडेंट हो तो आपको पता ही है कि RRB PO में कलर के जो भी क्वेश्चंस हैं मेंस में, वो उसको आप कर सकते हो। मतलब इजी नहीं होगा, मतलब तुरंत बनने वाला नहीं होगा, इसमें हमेशा दो दो पाई चार्ट होंगे, टेबुलर भी थोड़ा सा लेंदी होगा। तो इसलिए मैं बोली हूँ कि आप मेंस के जो भी ये सब SBI PO प्री के क्वेश्चन देख के जाइएगा, और फिर कलर मेंस के क्वेश्चन देख के जाइए, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी, उससे इजी ही पड़ेगा। लेकिन आप अगर इस लेवल के प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे एग्जाम में। इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको ये सब क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए उठाने चाहिए, ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पर हो जाए, ठीक है। अब रीजनिंग की मैं बात करूँ, रीजनिंग में मैंने जो लास्ट ईयर के एनालिसिस देखे मेंस के लिए, उसमें पता चला है कि जो भी क्वेश्चन आएंगे वो वेरिएबल के साथ ही आने वाले, क्योंकि मेंस रहेगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए कि जो भी फ्लोर बेस्ड पजल हो, या फिर सर्कुलर बेस्ड पजल हो, या फिर लिनियर सीटिंग अरेंजमेंट हो, तो उसमें जो वेरिएबल्स के साथ जो भी क्वेश्चन आपको मिले वो वाला सॉल्व कीजिएगा, तो वो उसी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें मैं बोलूँगी RRB PO मेंस के लेवल के क्वेश्चन उठाइएगा, तो इसमें आपको काफ़ी आसानी से बन जाएगा, क्योंकि उसमें इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। या फिर SBI PO प्री लेवल के भी आप देख सकते हो, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। RRB क्लर्क मेंस लेवल की मैं बोलूँगी तो वो काफ़ी ईजी होते हैं, तो उसको मत देखिएगा, लेकिन RRB PO मेंस के क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा मेंस के लिए, तो आपको काफ़ी क्वेश्चन मैच भी कर सकते हैं, ठीक है, आई मीन उसका पैटर्न। अब बात करते हैं GS, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं बता रही हूँ कि आपको कहाँ से करने हैं, ये आपको सिलेक्शन दिलवाने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो आपको पता है कि इसमें ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स थोड़ा पूछे जा रहे हैं, तो इसमें आप क्या कीजिएगा, अगर आपके पास लूसेंट बुक है तो आप लूसेंट से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या फिर जो बैंकिंग स्टूडेंट है उनके लिए ये न्यू है। तो वो क्या कर सकते हैं कि जो बैंकिंग स्टूडेंट्स है वो डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पे हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाल के देख सकते हैं, डायरेक्ट क्लास 10 तक ही पूछा जा रहा है। तो आप आसानी से क्लास वाइज, मतलब 6, 7, 8, 9 इस टाइप से आप जब सर्च करोगे यूट्यूब पे तो काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे, तो इस टाइप से आप सर्च कीजिए और आपको मिल जाएगा कि क्लास वाइज धीरे धीरे आप सब कंप्लीट कर लोगे, ज्योग्राफी हिस्ट्री जो भी आपके सिलेबस में है, जो भी वहाँ पे एग्जाम पैटर्न में लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स पूछेगा या फिर ज्योग्राफी पूछेगा, जो भी पूछेगा, ठीक है, वो आप डायरेक्ट क्लास 6 से स्टार्ट करके क्लास 10 तक देख सकते हो, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगी। और जो कि SSC स्टूडेंट है, रेलवे के भी प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए तो लूसेंट वे पढ़ते ही होंगे, तो बस उससे रिवाइज वो कर सकते हैं। अभी बात करूँ साइंस के लिए, तो साइंस के लिए भी मैंने जैसे बताया, यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिलेंगे जो कि आपको क्लास 6 से 10 तक काफ़ी अच्छे से समझा के यहाँ पे आपको यूट्यूब पे बताया गया है साइंस के लिए, तो वो आप जरूर फॉलो कीजिए। और बाकी लूसेंट के जो भी इम्पोर्टेंट, लूसेंट में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल ही जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में सेम ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि बायोलॉजी में सेल के बारे में, डिजीज के बारे में, विटामिन के बारे में, ये सभी काफ़ी कॉमन है और इसी से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं एक वीडियो में बता दूंगी कि GS के लिए या साइंस के लिए कौन कौन से टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी तब तक आप क्लास 6 से 10 तक यूट्यूब पर सर्च करो, आपको मिल जाएगा।
कंप्यूटर के भी यहाँ पे सिलेबस दिए गए हैं, तो उसमें 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें आप इसको इंडिविजुअली, मैंने यहाँ पे लिखा है कि कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप सेपरेटली इसकी प्रिपरेशन करो, क्योंकि 5 क्वेश्चंस ही हैं। उससे ज़्यादा आप टाइम अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी को दोगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो ये कर सकते हो कि कंप्यूटर में काफ़ी इजी क्वेश्चंस ही आएंगे, क्योंकि सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछेंगे। तो रैम, रोम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मुझे जैसा लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन देखने को ही मिल सकता है। तो इसके लिए आप कुछ भी जो भी एग्ज़ाम में या फिर आरबी क्लर्क मेंस में, पीओ मेंस में जो भी क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं वो आप देख लोगे तो काम, मतलब उतना इनफ है। ठीक है, अब मैं बात करूँ करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस 5 ही देखने को मिलेंगे। जैसे पीटी में भी 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, मेंस में भी 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है कि जो कि पीटी में हुआ है, जो कि रिसेंटली जो मंथ लास्ट 2 मंथ्स है उसके क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं। तो आप नवंबर दिसंबर तो अभी कर ही रहे होगे पीटी के लिए, ठीक है, तो जनवरी फरवरी भी कर लीजिएगा। उसमें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सिर्फ टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरा अंदर से पूछा जा रहा है। तो वो ये अच्छी बात है। तो आप अपॉइंटमेंट जो भी न्यू न्यू अपॉइंटी है उनके नाम याद कर लीजिएगा। अवार्ड्स है, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ये सभी काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये सभी पूछेंगे। फिर आपके जो भी अवार्ड है, आईफा अवार्ड, जो कि इम्पोर्टेंट अवार्ड होते हैं 1 ईयर में, ठीक है, वो सब आप कर लीजिएगा। और काफ़ी वो ज़्यादा कीजिएगा जो कि ये रिसेंटली मंथ्स में जो भी अवार्ड दिए गए हैं वो आप कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट डेज में भी पूछे जाते हैं कि ये कौन सा डे है, तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चंस बन गया आजकल। ये सभी मंथ्स में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट डे है जो कि काफ़ी रिपीट मोड पे रहता है, और इसका लेवल ज़्यादा रहेगा नहीं जीएस का। तो आप ऊपर ऊपर से भी देख लोगे इम्पोर्टेंट डेज वाले तो बन जाएंगे। ठीक है, फिर स्पोर्ट्स में कि ये जो वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, या फिर समिट्स जो भी है, G20, ये सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है जो कि फिक्स है कि ये 2024 में यहाँ होगा, 22 में यहाँ हुआ था। तो ये सभी थोड़ा सा पिछले ईयर का और एक नेक्स्ट ईयर का आप जरूर करके जाओ। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको जब आप करंट अफेयर करोगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि इस मंथ में ये अवार्ड दिए हैं, तो उससे निकाल के आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, स्कीम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, योजना के क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलते हैं सभी एग्जाम में, तो वो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये सभी करने के बाद आपको जैसे कि अभी 2 मंथ्स है एग्जाम है, तो आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने चाहिए। ठीक है, ये सभी जब कंप्लीट हो जाए जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लीजिए। और ये सभी जो भी मैंने प्रैक्टिस का बताया आपको मॉक टेस्ट से भी डायरेक्ट मिल जाएंगे क्वेश्चन, तो आप उससे भी डायरेक्ट कर सकते हो। तो मैं तो इसके लिए टेक्स्ट बुक ही फॉलो करूँगी, मेरे पास टेक्स्ट बुक है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक के ही मॉक लगाओ आप भी, क्योंकि इसका लेवल ठीक हो गया है पहले से। तो ये ठीक है, एक ग्रेड अप है जो कि बायजू हो गया अभी। ठीक है, तो इसका भी लेवल ठीक है। ये दो दो में से कोई भी एक या फिर दोनों में अल्टरनेट बेस पे आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैं तो ये दोनों को ही फॉलो करती हूँ, तो आप लोग भी ऐसे दो। ठीक है, पहले ये जीएस का सेक्शन पूरा रिवाइज कर लो, उसके बाद टेस्ट देने बैठो तो नंबर काफ़ी अच्छे आएंगे। तो जब भी आप मेंस के जब मैं टेस्ट लगाना स्टार्ट करूँगी तो मैं नंबर्स जो भी आएंगे मैं शेयर करूँगी, आप लोग भी बताइएगा। ठीक है गाइज, तो ये था मेरी स्ट्रेटजी जो कि मेंस के लिए है, आप लोग को बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।